तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। भाई ऑफिस की पार्किंग से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सुबह सुबह भागदौड़ होती है भाई, और वही सुबह सुबह सिवाना की पॉटी आपको क्या दिखाऊं, मैं कितनी बार दिखाऊं, इसलिए मैं डायरेक्ट ऑफिस पहुंच गया हूँ। अब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, जरा पार्किंग पे लगाते हैं, ऊपर चलते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, तब तक आप हमारा व्लॉग एंजॉय कीजिए, लास्ट तक देखिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड सिवाना भी आपको गुड मॉर्निंग बोल रही है। सुबह सुबह बड़ी क्यूरियस होती है वो, इधर उधर झांकने में, सब जगह देखने में हैप्पी मूड होता है इसका, तो इसको भी हाई कर दीजिए। और आई होप आप लोगों का भी दिन बहुत अच्छा जाए, देखते रहिए व्लॉग। तो सिवाना को मैंने इसमें डाला है क्योंकि बातें कर करके मैं थक गई हूँ, और तू ये कर, इससे तू भी थकेगी और एटलीस्ट सोएगी, इतनी बातें करे तो इस इंसान से, और ये तो थकती नहीं बातें करने से। और ये ऐसे ही पड़ा था, मैंने कहा इसको पंखे से उतारो जरा और इसके काम में लगाओ। जैसे कि बहुत लोगों को पता है जो हमें देखते हैं कि मैं रात को सिवाना को नहलाती हूँ, इससे वो बहुत अच्छी तरह नींद लेती है, और इसी तरह मैंने उसको नाइट टाइम रूटीन में डाला है। और दिन में मैं उसको दोबारा मसाज देती हूँ ताकि वो दोपहर की भी नैप ले ले, तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। और टचवुड, सिवाना ने इसके साथ बहुत अच्छे से कॉपरेट किया है। थोड़ा मुझे हफ्ता 10 दिन प्रॉब्लम हुई, बट देन शी इन्जॉय इट। चार बजे गाइज मेरा हो रहा है लंच। वो देखो सिवाना, वो सो रही थी तो मैं भी सो जाती हूँ, और मेरी आँख खुली तब मैं खाना लेके आई हूँ। ये बनी है फ्राइड आलू गोभी और ये पराठा। अब मैं चलाऊँगी टीवी थोड़ी देर, हनी निकल चुका है। गुड इवनिंग सिवाना, गुड इवनिंग बोल रही है सबको, गुड इवनिंग। और बाप आ चुका है, जा रहा है अपने जिम। कुत्ता, सॉरी पहले तो कुत्ते का काम होएगा, स्पेस में जाने वाला है। स्पेस में जाने वाला, लॉन्च होने वाला, बैठा भी वैसे। स्पेस में जाने वाला कुत्ता यही है, नींद आ रही है। तो फ्राइडे के बाद अब जिम आया हूँ, बस वर्कआउट करते हैं भाई। Been a long flight, stayed on. Strange time, it's a strange time in my life. Guys, मैं नहा के आ गई हूँ, बट एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज ये है कि हमारा टीवी नहीं चल रहा है यार। रात को बिग बॉस देख के जब हमने बंद किया, उसके बाद अब ऑन कर रहे हैं तो हो ही नहीं रहा। और अलेक्सा को कह रही है स्विच ऑन टीवी, तो कह रही है कि टीवी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, पावर सप्लाई इशू। तो क्या हो गया भाई, बिजली चली गई टीवी की? Very bad, I will not survive without this. अब ये नया तरीका आजमाया है सिवाना को सुलाने का, होपफुली इसमें हम कामयाब हो पाए, बट मुझे डाउट कम है क्योंकि बच्चा हर सेकंड कुछ ना कुछ अपने चेंज करता रहता तरीके। अब वो नींद में इसलिए सो रही है, जब नींद में नहीं होगी ना तब किसी का बाप नहीं सुला सकता। वाओ, इतनी ऐसे बोल रही है, व्लॉग में पूरा सुनाई दे रहा है। तो गाइज मैं अब नहा लेता हूँ, जिम से आया हूँ। टीवी तो भाई हमारा चल नहीं रहा, मुझे लगता है हमें बुलाना ही पड़ेगा कंपनी वालों को, तो तब तक मैं नहा लेता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। सो गाइज, हिमाचल से ना मेरी मम्मी ये लाई है मेरे और हनी के लिए, ये शूज़ घर पहनने के लिए। और ये इतनी गर्म है, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मैंने तो सॉक्स पहनी, मेरे पैरों में पसीना आ गया, बिना सॉक्स के पहनने वाले हैं ये, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। हाँ, हालांकि मैं घर में थोड़ी ज़्यादा फनी लग रही हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ ऐसी लग रही हूँ, बट जोक्स अपार्ट ये हनी के हैं और ये मेरे हैं। सो हनी दिया के साथ है, मैं तब तक के लिए बना रही हूँ एक दो रील, और आपको अगर पुरानी यादें ताज़ा करनी है तो ये देख लीजिए, मेरा सबसे पुराना पार्टनर आ चुका है मेरे साथ। अब इसको चाहिए कि यहाँ से मैं इसको कुछ दूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है, बट मैं कुछ नहीं देने वाली। मेरा ये टेंट खुल के नहीं रहा, खुल गया। मैं थोड़ा सा लगाऊंगी ब्लश, मैंने ब्लेंड करना है, डोंट जज मी।
ब्रेकफास्ट टू क्या है मेरे पास ना मिस क्लियर का एक लिप ग्लॉस भी है आओ आओ देयर इज माय लिप ग्लॉस गाइस पता नहीं कहाँ चला गया चलो फॉर द टाइम बीइंग मेरे पास जो मुझे ये आए थे ना रिव्यू के लिए लिप ग्लॉस उसमें से ले लेते हैं नेचुरल चेरी ओह माय गॉड कहीं ज्यादा तो नहीं हुआ और इसकी सच में वैसी खुशबू है चेरी जैसी नाइस नाइस आई लाइक इट इसके अलावा मैं बस अपनी जो आईब्रो है उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगी क्यूटी बैठा है यहाँ कैसे करूँ टेढ़ी बैठी हुई आई लाइक दिस वो तो दिया के ऊपर है कि वो मुझे कितनी देर अकेला छोड़ती है क्योंकि ना जब ये हनी के पास भी रोने लग जाती है ना फिर मेरा खुद ही मन नहीं मानता मेरे को थ्रेडिंग भी मतलब ट्रिमिंग भी करनी है और इस ऑस्टिन में नहीं दूंगी मत करो मैं बट डैडा को बुला दूंगी पर कुछ नहीं आपको देने के लिए लिपस्टिक का थोड़ा करना पड़ेगा तो मुझे ये जो कलर बार से आई थी इसको हल्की सी पिंक पिंक है ओह माय गॉड अगर आपको दिख रहा हो मैंने क्या किया हॉस्टू यार यहां से बाहर भी निकल गई This is just not me. This is just not me. This is me. Kind of better now. ठीक है थोड़ा better होगा मम्मा का देखो तो मैं बनाती हूँ एक दो रील्स ऐसी म्यूजिकल रील बना रही हूँ फॉर टाइम पास क्योंकि कुछ इंस्टाग्राम पर मेरे को अपलोड नहीं मैंने नहीं किया मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है जब मैं थोड़ी सी रील्स वील्स डालती हूँ और मेरी डॉगी और बैठी है मेरी शॉट बहुत लोग सोच रहे होंगे मैं इतना गंदा रुमाल क्यों यूज़ कर रही हूँ बट ये बिल्कुल साफ है ये धुला हुआ है पर इसमें निशान पड़ चुके हैं मैं इसे मेकअप लाइनर पाइनर ये सब के लिए यूज़ करती हूँ ये तो ये धुला हुआ है मैं इसको हफ्ते में दो बार धोती हूँ इसकी ना किसी भी रील को लाइक मत करना कोई नहीं करता क्योंकि ये ऊपर से ही सुंदर है नीचे देखो ये देखो जरा कौन से पहाड़ों में रहती है जाके तू मेरी मम्मी ने दिए भाई ये ना एक्चुअली मम्मी और डैडी वहां गए थे हिमाचल तो वो लाए ये मेरे देख लो देख रहे हो अबे बेटी को छोड़ा है शर्म नहीं आई बेटी तो बड़ी हो चुकी है अब गई दीदी रो क्यों रही है चलिए गाइस मैं इसके कपड़े पहनाती हूँ फटाफट Deep in the shadows, I know it's hard.
for one foot in front of the other. Ah, so far is the echo. When do we start? You can learn to discover a million stars. इसको मैंने नहला दिया है. बेड देखो, हनी बेड झड़ रहा है. और साथ ही साथ ये जो कपड़े ऊपर से लाया है वो करेगा. और मैं लिपस्टिक लगी हुई है. अब मैं शिवाना को सुला दूंगी. और शिवाना की हो गई है गुड नाइट. तो शिवाना तो सबको कर दिया गुड नाइट. और हमारी गुड नाइट हो गई है. हमारी गाँव ये भी डिनर करना है. अभी तो डिनर करना है. और आज बिग बॉस पता है कैसे देखेंगे, लैपटॉप में. और कल आएगा? कल तो नहीं आएगा, कल तो कंप्लेन करेंगे. क्या हो गया टीवी को यार? वही तो आप लोगों को पता है अपनी रात इतनी जल्दी कैसे खत्म होती है. मैं छत पे आया हूँ कपड़ों के लिए. और लेकिन इतनी ठंड है ना, मैं ये रोब पहन के आ गया हूँ. लेकिन टांगे मतलब निकर में आया हूँ, टांगों में लग रही है ठंड. और वैसे भी मैंने आज लेग्स की एक्सरसाइज कर रही है भाई, बहुत खतरनाक वाली करी है. मतलब पता नहीं कितनों के लिए वो खतरनाक होगी, मेरे लिए तो खतरनाक थी. क्योंकि मैं ना थका हुआ हूँ बहुत ज़्यादा, और बहुत दर्द हो रही है टांगों में. और ऑस्टू ने भी जैकेट पहनी हुई है. तो एक सेकेंड जूम आउट. तो इसका मतलब ठंड तो बहुत ज़्यादा हो गई है. लेकिन भाई काम तो सब करने ही पड़ते हैं ना, इसलिए मैं आया हूँ छत पे. और अभी भी मैंने विशाली और मैंने बताया था हमारा डिनर रह गया. डिनर करेंगे भाई. बहुत थकान हो जाती है भाई ये सब करते करते, बहुत थकान हो जाती है. मतलब आप ये लगा लो मैं ऑफिस में बिल्कुल नहीं थकता, और ऑफिस के बाद घर में इतना थक जाता हूँ. कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि ऑफिस में ज़्यादा थकान होती है, घर पर आराम होता है. भाई मुझे ऑफिस में एक पैसे की थकान नहीं है. बैठे बैठे मेरी सिटिंग जॉब है. और आजकल तो मैं खाली हूँ, इनफैक्ट ज़्यादा कुछ काम होता नहीं मेरे पास. तो घर आके तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ. अब यही है रूटीन हमारा. और बस ये है कि बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि शिवाना बहुत रिएक्ट करने लग गई है. आप लोगों ने देखा ही है, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं भाई एकदम से कैप्चर नहीं हो पाते वीडियो में. वो हमारे दिल में हमारे पास है हमेशा, हमें बहुत अच्छा लगता है वो सब देख के. बट लेकिन शिवाना देखेगी, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मोमेंट्स कैप्चर करें, आप लोगों के साथ भी शेयर करें. आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और शिवाना भी को भी अच्छा लगेगा जब वो बड़ी हो जाएगी, सब कुछ देखा करेगी. और मैं पहले काम निपटा लेता हूँ अपना, फिर नीचे जाके देखते हैं अगर कंटिन्यू कर सके तो कंटिन्यू करेंगे. के साथ गाइस मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब.